ये देखिए लखनऊ में जनेन्द्र यादव अखिलेश यादव के पूर्व ओएसडी काफी करीबी इनके यहां छापेमारी हुई रियल स्टेट का कारोबार करते हैं ये मऊ राजीव राय सचिव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं टीवी डिबेट्स में दिखते रहते हैं इनके हाँ छापे मारी हुई मौ में काफी करीबी अखिलेश यादव के मैनपुरी मनोज यादव आरसीएल ग्रुप के मालिक मैनपुरी जिला पंचायत अध्यक्ष पर काबिज रहे काफी दिन और ये भी अखिलेश यादव के काफी करीबी माने जाते हैं और इनके यहां भी छापेमारी हुई जिसको लेकर फिर अखिलेश यादव ने करारा

पार्टी से जनंद यादव जुड़ रहे हैं अब राजीव राय का भी परिचय देखिए पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है सचिव है जैसा कि मैं आपको बता रहा था इसके अलावा राजीव राय कौन है यूपी के बलिया जिले के मूलता रहने वाले हैं घोसी से चुनाव भी लड़ चुके हैं लोकसभा का 2014 में और भूमिहार नेता के तौर पर इनकी पहचान है और मऊ में पिछले तीन महीने से रह रहे हैं दुबई बेंगलुरु में स्कूल कॉलेज है इनके मेडिकल कॉलेज है इनके और इनके यहां भी छापेमारी हुई अब कौन है मनोज यादव आरसीएल ग्रुप के मालिक है 500 करोड़ के आरसीएल ग्रुप के मालिक मनोज यादव पार्टी के लिए बड़े फाइनेंसर्स में से एक इनकी गिनती होती है अखिलेश यादव के बेहद करीबी हैं और मैनपुरी में पंचायत अध्यक्ष के उम्मीदवार भी हैं अब ये तीनों अगर अखिलेश यादव के इतने करीबी हैं और यहां पर अगर छापेमारी हो रही है तो तनाव तो होगा और तनाव हो हुआ भी और उसको लेकर आरोप प्रत्यारोप भी हुए तो आया चुनाव और रेड का तनाव ये दिख रहा है लेकिन ये क्या कोई पैटर्न है विपक्षी जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो भी समझिए विपक्षी कह रहे हैं जहां चुनाव होता है वहां केंद्रीय एजेंसियां छापेमारी करने आ जाती हैं। कुछ यहां पर उदाहरण भी हैं। तमिलनाडु में चुनाव था इनकम टैक्स का एमके स्टालिन की बेटी सेंथा मरे की संपत्तियों पर छापा मा, छापेमारी हुई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने की पश्चिम बंगाल में चुनाव था ईडी ने टीएमसी के नेताओं की तीन करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्की केरल में चुनाव था ईडी ने सीएम विजयन के प्रधान सचिव एम शिवशंकर को गिरफ्तार किया महाराष्ट्र में चुनाव था एनसीपी नेता शरद पवार और उनके भतीजे अजित पवार के खिलाफ ईडी में केस किया गया कर्नाटक में चुनाव था कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार के घर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापेमारी की तो क्या विपक्ष के इन आरोपों को ये छापेमारियां बल देती हैं ये बड़ा सवाल है सबसे पहले शहजाद के पास चलते हैं शहजाद पूनावाला हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता है उन्हीं के पास चलते हैं शहजाद पहले तो शुक्रिया इतनी देर से आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और काफी देर से आप साथ बैठे हैं अब डिस्कशन ओपन करते हैं शहजाद ये क्या है समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव साफ कह रहे हैं कि चुनाव में बीजेपी घबरा गई है अभी तो इनकम टैक्स की रेट हुई है अभी तो सीबीआई आएगी और ईडी आएगी और उनके कहने का मतलब एक लाइन में बीजेपी डर गई है उनसे गौरव जी क्या उनका तर्क ये है कि अगर चुनाव पास हो तो भ्रष्टाचारियों पर एजेंसियों को काम नहीं करना चाहिए ये किस प्रकार का संरक्षण देना चाहते हैं भ्रष्टाचारियों को और मैं तो कहता हूँ देखिए आज यूपी प्लस योगी उपयोगी फार्मूला चल रहा है पर 2017 से पहले दो फार्मूले थे एक फार्मूला था एम प्लस वाई तुष्टिकरण के भोगी एम प्लस वाई का फॉर्मूला अपनाते थे, थे और दूसरा था बी प्लस बी बुआ और बबुआ भ्रष्टाचार के भोगी इस वाले फार्मूला का अपनाते थे

क्योंकि दो दिन पहले से यह खबरें सोशल मीडिया पर आने लग गई थी कि कुछ बड़ा होगा कुछ बड़ा होगा शिवपाल यादव से जैसे अखिलेश यादव मिले थे यह संयोग है या कोई प्रयोग है जिसका विपक्षी मैंने कुछ अभी आपको छापेमारी की और भी घटनाएं बताई जो अलग अलग राज्यों में चुनाव के दौरान हुई चुनाव आते ही बीजेपी की विपक्षी पार्टियों के यहां छापेमारी क्यों होने लगती है संयोग है या कोई प्रयोग है देखिए अपने अपने काले कारनामों के बारे में तो इनको पहले से पता है तो जब चुनाव पास आते हैं तो किस प्रकार से विक्टम कार्ड खेला जाए अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं ये समाजवादी पार्टी के दूसरे प्रवक्ता ये कह रहे कि ईवीएम जो है टैंपरिंग करके हार, हम हार जाएंगे क्योंकि ईवीएम होगी इसको कहते हैं एलिबाई बनाना मतलब कि एक जो है एक जो रीजन बना देना क्योंकि जब आप पकड़े जाओ चोरी करते हुए या जब आप चुनाव हार जाओ तो किसी और पर दोष डालने के लिए यह इनके पास विक्टम कार्ड तैयार होता है पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं केवल इसका जवाब दीजिए आज क्या उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा नहीं बह रही है जो छठे नंबर पर उत्तर प्रदेश था जीडीपी के रैंकिंग में आज दूसरे नंबर पर है जो उत्तर प्रदेश में दस मेडिकल कॉलेज पर क्या नंबर है वो भी बात करेंगे नीति आयोग भी देखेंगे गरीब लोग कहा रहते हैं सोमवार से शुक्रवार शाम छह बजे सिर्फ टीवी भारत भारतवर्ष पर